टीसीबीटी कृषि विज्ञान में आज हम मूंगफली उत्पादन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रासायनिक खेती में मूंगफली का उत्पादन अभी पूरे पिछले 5-7 साल से पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत ज्यादा इसमें फंगस आता है, व्हाइट ग्रब इसके जो है मूंगफली के दानों को खा जाता है, जड़ों को खा जाता है, और इसी वजह से पिछले 4-5 साल से देश में तिलहन का उत्पादन घट गया है, तेलों का उत्पादन घट गया है, और इस वजह से तेलों का बेतहाशा तेलों में जो है मूल्य की वृद्धि हुई है। पूरा गुजरात और जो है राजस्थान परेशान है। अब जो है मूंगफली का उत्पादन बहुत तेजी से रासायनिक खेती में घटा है, फंगस की समस्या, व्हाइट ग्रब की समस्या, और इन सब समस्याओं पर ध्यान में रख के मैं आपको एक ऐसी रसायन मुक्त कृषि पद्धति बताने जा रहा हूं जिसमें बिना यूरिया डीएपी डाले आप बम्पर उपज ले सकते हैं। और बम्पर उपज यानी अभी जो है 20-22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बहुत अच्छा माना जाता है, 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का मूंगफली का उत्पादन। पर इससे कहीं बहुत ज्यादा उत्पादन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फंगस नहीं होगा, कोई वायरस नहीं, किसी तरह का कोई जो है टिक्का रोग, बहुत आजकल जो है मूंगफली में हर किसान के जुबान में होता है कि भी टिक्का रोग है, ये कुछ होगा नहीं। तो आइए कैसे बिना यूरिया डीएपी डाले हम टीसीबीटी कृषि विज्ञान की इस पूरे पैकेज आप प्रैक्टिस को समझते हैं। अभी सोल भी क्यों मतलब आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि अगर मिट्टी बीमार है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो हमको करना पड़ेगा। अभी मिट्टी भी बीमार है, बीमार मिट्टी में तो आदमी बीमार हो जाए तो पहले हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करते, बाद में उसको काम पर भेजते हैं, लेकिन मिट्टी बीमार मिट्टी पे ही लगातार किसान फसल लेते जा रहा है। तो बहुत 2-4 जो है उत्पादों की जरूरत पड़ेगी जो किसान अपने स्तर पर नहीं बना सकता, बाकी तो मैं सब बनाना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला जो है कि इसके लिए जो है मूंगफली उत्पादन के लिए भुरभुरी मिट्टी चाहिए, एकदम भुरभुरी होना चाहिए, यानी रेतीली दोमट मिट्टी चलती है। थोड़ा सा भी जो है अगर मिट्टी में कॉम्पैक्ट है तो स्वाभाविक है उसमें मूंगफली ज्यादा नीचे जो है उसमें जगह नहीं बनेगी तो उत्पादन नहीं होना नहीं होगा। तो ऐसी भुरभुरी मिट्टी चाहिए, उसका पीएच 6 से 7 के आसपास हो, 6.5 हो, 7.5 हो अच्छा हो, थोड़ा सा पीएच कम हो, मतलब यहां से लेके यहां तक के स्टेज में, ठीक है। और इतना इतना जो है इतनी स्थिति का चाहिए पीएच। आप पीएच जो है पट्टी आती है इससे मिट्टी का पीएच चेक कर सकते हैं, एक एक जो है कांच के ग्लास में थोड़ी मिट्टी डालिए, थोड़ी सी पानी डालिए, जितना देर में वो पीएच मीटर अंदर डूब जाए फिर पीएच मीटर निकाल के चेक कीजिएगा, तो ऐसा रंग जो है इतना इसके बीच में आना चाहिए। ईसी भी जो है 0.92 होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा होना चाहिए 1%। अभी किसान भाई ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते नहीं है, अभी 0.3-0.4 ऐसा ऑर्गेनिक कार्बन है। क्यों? बार बार जुताई के कारण से, बार बार जब गर्मी में कच्ची मिट्टी की बार बार जब जुताई होती है ना तब उसमें से जो है कार्बन निकल जाता है। पहले हमारे पूर्वज कटाई करने के बाद तुरंत जुताई कभी नहीं करते थे, आराम से मिट्टी में कार्बन को सटल होने देते थे, फिर बुआई के पहले जुताई करते थे। अभी तो फसल काटे नहीं कि तुरंत जो है, एक तो फसल को जला देते हैं किसान तो कार्बन तो पूरा जल जाता है, जो नीचे जड़ें बसती वो भी क्या है जुताई करने के बाद और फिर गर्मी पड़ती तो वो भी कार्बन बनके वॉपरेटर के ऊपर रखे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो तापमान वृद्धि आधुनिक खेती जो है कार्बन को जमीन से निकाल के ऊपर भेज देती है, इसलिए भारत में बड़े बड़े एजेंसियां भी जो हैं कृषि के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें भी 0.34% कार्बन है, वो भी सब प्रयास कर रहे कार्बन बढ़े पर नहीं बढ़ रहा है। केवल टीसीबीटी कृषि पद्धति ऐसी है कि आप भूमि उपचार करते हुए, अगर मैं जैसे बोलता हूं खेती करिए भूमि उपचार के साथ, आपका 1 साल में कार्बन 0.1 से ऊपर हो जाएगा। हमारे कई किसानों का 0.8%, कुछ किसानों का 2.1% इतना तक कार्बन चला गया है, कुछ किसानों का 2.8% तक हो गया है।
तो भूमि उपचार की पद्धति के साथ मैं आपको जो है, क्योंकि अभी हमारा पीएच ठीक नहीं है, पीएच भी हाई हो गया है, ये लगभग 8 से ऊपर चला गया है, 8 पॉइंट तो जो है 1 से ऊपर ही चल जा रहा है। ईसी भी जो है गड़बड़ हो गया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ठीक है। किसान बीज बोता है खेत में, जीवाणुओं को पता ही नहीं लगता किसान ने बीज बो दिया, क्योंकि बीज को उगाने का काम जीवाणु ही करते हैं। तो ईसी ठीक होना चाहिए, जीवाणुओं को पता होना चाहिए आज किसान खेत में आया है, बीज बोया है, पानी डाला है, खाद डाला, ये पता होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक कार्बन भी 1% बढ़ेगा, मैं कार्बन बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ आपको बता रहा हूं। मिट्टी का घनत्व तो कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, काली मिट्टी में तो मूंगफली होती नहीं है ना, तो जो काली और दोमट मिट्टी है ना उसमें भी जो है घनत्व ज्यादा, कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए है ना। और काली मिट्टी में अगर कॉम्पैक्ट है तब नहीं होती, नहीं तो फिर जो है कुछ काली मिट्टी में भारत में ऐसी भी है जहां पर जो मिट्टी अच्छी भुरभुरी एकदम मक्खन जैसे, वहां भी जो है हमारे कई किसान मूंगफली ले रहे हैं। फिर जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि पानी भरा रहेगा तो वहां पर भी जो है आपका ये होगा नहीं। तो इस तरह से जो है अभी हमको ये स्थिति, जैविक संरचना भी मिट्टी में कम से कम 2×10^9 इतने जीवाणु संख्या होनी चाहिए, और फंगस कीटाणुओं की संख्या और फंगस की संख्या नहीं हो, ये ना हो फंगस ठीक है। तो इस तरह से अभी हम जो है और टीसीबीटी प्राकृतिक खेती के लिए परिस्थिति चाहिए, आगे बढ़ते हम। की पूर्व तैयारी के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये जो सीवीआर महोदय हैं, दक्षिण भारत के किसान हैं अपने बहुत अच्छे, तो ये जो हैं, ये महोदय जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी एक विकसित की टेक्निक कि आप खेत के मेड़ पर ही, और आप जो है जेसीबी लगा के और 5 फुट गहराई तक की मिट्टी निकालो और इस मिट्टी को पूरे खेत में इधर फैला दो, पूरा फैला दो, पूरा मिट्टी खेत में, तो 5 फुट गहराई तक में क्या है बहुत से मिनरल्स रहते हैं, जब ये खेत में चले जाएंगे तो न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे अणु, क्योंकि अणु नहीं रहेगा तो जीवाणु कैसे पलेंगे। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का काम के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, जेसीबी से नाली बनाओ, चाहो तो मेड़ तोड़ दो और पूरा मेड़ और उसके 5 फुट गहराई तक की मिट्टी खेत में ठीक है, ये कई काम करता है। अभी बारिश आएगी तो यहां पानी यहां के रुकेगी तो खेत का पानी खेत में, फिर मिट्टी कट के आएगी तो यहां रुकेगी तो खेत की मिट्टी खेत में रहेगा। फिर फसल लेने के बाद आप क्या कर सकते हो कि खेत का जो है जो भी पुआल है भूसा इसमें डाल दो और ताजा गोबर का घोल डाल दो तो धीरे धीरे वो सड़ेगा, डिकम्पोज, तो अगले बार आपको फसल मिलेगी। तो ऐसे कई काम पशुओं को भी आने जाने से रोकेगा कि पशु जो है नाली रहेगी, छोटा सा इधर मेड़ जैसा बना देना तो आने जाने में पशु सीधे आएंगे जाएंगे नहीं। तो ऐसे कई तरह की ये जो है नाली काम करती है, ये जो है सीवीआर टेक्निक कहलाता है, ये करो आप। दूसरा, सजीव कंपोस्ट खाद बना के रखो ठीक है, कुछ जो है एक आध ट्राली आप गोबर को फैला दो, पानी डालो, उसमें जीवाणु जल डाल देना, फफूंद भक्षक कीट भक्षक डाल देना, बन जाए। पूर्व तैयारी के लिए जैव रसायन भी जरूर बना लेना, क्यों बना लेना, क्योंकि ये जो है ये ग्लूकोस है, जो विकास डीएपी जो ग्रोथ दिखाता है उससे बढ़िया ग्रोथ है। 30-40 लीटर जैव रसायन डालोगे ना एकदम से मूंगफली में ग्रोथ आएगी, चौड़े चौड़े पत्ते आ जाएंगे। लगते ही क्या है इसमें, इसमें गुड़ चाहिए और फल चाहिए, कोई भी फल ले लेना, कद्दू ले लो, कुछ भी फल ले लो, सब्जियां भी टमाटर भी चल जाएगा, और पानी ले लीजिए। और इसका रेशियो रहता है 1:3:10 का, 1 किलो गुड़ 3 किलो फल 10 लीटर पानी। अब चूंकि हमें जो है लगभग इसके लिए मूंगफली के खेती के लिए 100 लीटर मीठा वाला जो है जैव रसायन बनाओ, तो कैसे करोगे, उसके लिए आप जो है गुड़ ले लो लगभग 14 किलो और फल ले लीजिए इसका 3 गुना, हाँ तो लगभग जो है 42 किलो फल ले लो और पानी ले लीजिए 140 लीटर, 200 लीटर के ड्रम में एयरटाइट बंद करके रख दीजिए
है ना, तो ये लगभग तैयार हो जाएगा। इसको हर सिंचाई में अपने को देना है 30-40 लीटर। फिर खट्टा जैव रसायन 10 लीटर बना लीजिए किसी भी खट्टे पदार्थ का, है ना, कोई भी खट्टा, जैसे आपका नींबू है, आंवला है ना, अभी कच्चे आम मिलेंगे उनका बना लो, और कड़वा बना लीजिए 10 लीटर। तो ऐसे जो है 3 तरह के जैव रसायन बनाइए। और अभी शुरुआत में चाहो तो 21 दिन का बना लो, क्योंकि राजस्थान में मूंगफली बोना शुरू कर चुके होंगे अभी। तो आप कैसे करोगे, इसमें जो है 5-7 लीटर आपको जीवाणु जल बना मिला देना है, 5-7 लीटर जितना भी जगह हो थोड़ा सा पानी घटा के जीवाणु जल डाल देंगे, तो ये 21 दिन में बन जाएगा। पर इसका उपयोग आपको थोड़ा जल्दी करना है, मतलब इसी फसल में। और 90 दिन वाला बनाएंगे, इसमें कोई जीवाणु जल नहीं डालेंगे, केवल गुड़ और फल और पानी रहेगा, तो ये आपका चलेगा साल, 2-3 साल आराम से रुक जाता है। तो जैव रसायन बनाइए बिफोर, पहले से आपको। और पूर्व तैयारी में क्या करना है, सोल के जो है, सोल ये मोबाइल ऐप है, इस पे जाइए, जो है ये सोल, आप अपने मोबाइल के एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर पे जाके सोल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सोल दुकान, 3 ऐप हैं, सोल एजुकेशन, सोल दुकान, सोल किसान। तो सोल दुकान आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, तो उससे जाके अग्निहोत्र किट बुला लीजिएगा। अग्निहोत्र जो है ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करने की एक है, इसके बगैर TCBT खेती या खेती नहीं हो सकती। आज जो खेती में परेशानी है वो मिट्टी की निगेटिविटी कारण है, तो मिट्टी को पॉजिटिव करना है तो ये बहुत जरूरी है अग्निहोत्र करना। तो ये किट बुलवा लीजिए, उससे ऊर्जा जल बनाने में आपको मदद मिलेगी। फिर भस्म रसायन किट भी बुलाइए, इसीलिए बुलाना है कि मिट्टी की ऊपरी सतह में अब जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन ये रहे नहीं, भारी तत्व क्यों नहीं रहे। एक तो मिट्टी में जो है कार्बन घट गया, तो या तो ये लीच हो गए, कार्बन ही इनको पकड़ के रखता है भारी धातुओं को, तो लीच अंदर चले गए, या तो बह गए बार बार जुताई कारण से, या पिछले 10-12 साल से केचुए अब खेती में जो 15 फुट जो है 10 फुट 15 फुट नीचे जो केचुए रहते वो ऊपर आने बंद हो गए, हर साल ऊपर आते बारिश के समय में, तो हर साल मिट्टी को लेके आते थे नीचे की मिट्टी, तो जब नीचे की मिट्टी खाते ऊपर लाते थे तो जिंक, आयरन, मैग्नीज हर साल हमारे खेत में, क्योंकि बहुत कम मात्रा में लगता है पर बहुत अनिवार्य है तत्व भी, कि सल्फर नहीं रहेगा तो फंगस आएगा, जिंक नहीं रहेगा तो वायरस आएगा, ठीक है, आयरन नहीं रहेगा तो इल्ली आएगी, कॉपर, मैग्नीज, कैल्शियम नहीं रहेगा तो रस चूसक कीट आएंगे, तो ये सारे तत्व आवश्यक हैं, ये तत्व मिट्टी में है ही नहीं, तो आपको सोल से भस्म रसायन लेना आवश्यक है। कई बार मुझे कहते हैं किसान कि आप सोल क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए कि बाजार में जिंक, आयरन, कैल्शियम पॉजिटिव वाला मिलता ही नहीं है। जो जिंक है बाजार में जो मिलता है बंधुओं, वो मिलता है निगेटिव, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट फॉर्म के जो भी आते हैं बहुत निगेटिव, इनको गर्म तवे में रखोगे तो भयंकर दुर्गंध आएगा, और TCBT कृषि पद्धति में स्पष्ट मना है कि दुर्गंध वाली कोई चीज डालना नहीं। इनको हाथ पे रखोगे, वैद्य राजेश कपूर से चेक करोगे, शरीर की ताकत घट जाएगी। तो आपको ये चाहिए, और बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं, सोल में तो एक किट आप 2600 रुपए का है ये शायद किट, तो इतना लोगे तो ये तो जो है 5 एकड़ में जाएगा, स्प्रे करोगे तो 50 एकड़ में जाएगा, तो बाजार के मुकाबले बहुत सस्ता है, पॉजिटिव है, और इन सब में 80 से 90% जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर है, इसलिए लेना है, ठीक है। तो ये व्यवस्था मेरे कहने पे ही ये उपलब्ध हुआ है, और अपनी ही टेक्निक है। और क्या क्या करना है आपको, जीवाणु जल, जीवाणु जल के लिए कैप्सूल कल्चर खरीद लीजिएगा, ठीक है, एक किट से आप 10,000 लीटर घोल बना सकते हो, कैप्सूल में है तो कोई कंटामिनेशन नहीं है, एकदम जो है बंद करके साफ सुथरा, कैप्सूल कल्चर सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी टेक्नोलॉजी है दुनिया की सबसे, उस टेक्नोलॉजी को जो है TCBT कृषि पद्धति में अवेलेबल करने की व्यवस्था मैंने किया है। नहीं जो कैप्सूल कल्चर बुला रहा है तो सजीव जल बना ले, गोबर, गोमूत्र, गुड़, छाछ का घोल, पंचगव्य बना ले, ये सारे फार्मूले मैंने दे रखे हैं। इसके अलावा अन्न द्रव्य रसायन बनाए, ठीक है, 1 किलो चावल को पकाए, बढ़िया पक जाए तो आधा किलो गुड़ मिला के और किसी मटके में भर दे, और किसी भी जो है बड़ पीपल, बरगद या मीठे फलों के नीचे 6-7 दिन के लिए गाड़ दे,
जमीन के ऊपरी सतह मतलब थोड़ा सा दिखे उसका मुंह पर, 6-7 दिन बाद जो है उसका चावल निकाल के ले आए, 200 लीटर पानी में डाले, 2 किलो गुड़ डाले, अन्य द्रव्य रसायन तैयार। ये जो है जड़ों को बढ़ाता है और इतना तेजी से बढ़ाता है, मूंगफली में जितनी जड़ बढ़ेंगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, सब किसानों को पता है। तो एक तो फंगस के कारण जो है रासायनिक खेती में जड़ ही नहीं बढ़ती। अभी ऊर्जा जल डालोगे तो जड़ फंगस खत्म आपका, अब थोड़ा बहुत कसर रहेगा तो फफूंद बक्षा घोल डाल देना, आने ही नहीं समस्या। और अन्न द्रव्य रसायन डाल देंगे तो खूब तेजी से जड़ बनेगा। आप पौधा जब उखाड़ोगे ना तो गुच्छे में जो है आपको मूंगफली मिलेगा। और कोई खर्चा है इसका? कुछ नहीं, चावल और गुड़ तो लगना है। 200 लीटर पानी में घोल लो, 2 किलो गुड़ डाल के पुनः और डाल दो। एक या दो बार भी अगर आप पहली सिंचाई के पहले डाल दो या सिंचाई के बुआई के बाद की पहली सिंचाई में डाल दो, फिर देखो कैसे जड़ बढ़ता है। बहुत सशक्त फार्मूला जरूर बनाए अन्न द्रव्य रसायन। फिर छाछ द्रव्य रसायन, ये छाछ द्रव्य रसायन क्या करता है? ये जो है अभी आप जैसे पत्तियों में धब्बे लग जाते, टिक्का रोग खूब बोलते भाई, ये रोग लग गया, ऐसा हो गया, तो ये सारे रोगों से फंगस से बचाना है। करना क्या है, 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल दो, एयरटाइट बंद करके 21 दिन रख दो, मात्र 21 दिन रख दो, आपका छाछ द्रव्य रसायन तैयार, जबरदस्त। ये भी फार्मूला है TCBT का, आपके जो है वायरस और फंगस इससे नष्ट हो जाएंगे। कोई भी करे रासायनिक खेती वाला भी, ये छाछ द्रव्य रसायन बना के स्प्रे करो, एकदम से जो है फसल में फंगस खत्म। छाछ द्रव्य रसायन जो है लगभग 200 लीटर पानी में 10 लीटर, ऊर्जा जल जो है 100 लीटर, और नैनो खनिज यानी सूक्ष्म तत्वों का यानी या तो या भस्म रसायन का अणुजल या नैनो खनिज न्यूट्रिशन, तीनों का स्प्रे कर दो, 100% जो है एक तो न्यूट्रिशन मिलेगा और दूसरा बीमारी रुकेगी। और क्या है, गोवर्धन खनिज खाद, ये अपने TCBT में अणुओं और जीवाणुओं का भंडार है गोवर्धन खनिज खाद, ये भी किसान अगर डाले अच्छा है। बुआई के पहले 50 किलो डाल दे और पहली पानी में पहली सिंचाई में 25 किलो, दूसरी सिंचाई में 25 किलो। पिछले साल राजस्थान के किसानों ने डाला, बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत और पहले साल जैविक खेती आप कर रहे हो, मान लो कोई फास्फोरस की कमी आपको दिख रही है, OKP बुला लेना, इसमें जो है अच्छा खासा मात्रा में 12-13% फास्फोरस और 8-10% पोटास है। अभी तो बढ़ के आ रहा है 20-22% वाला, हो सकता है इस सत्र में मिल जाए। नैनो पोटास भी 22% वाला आ गया, नैनो खनिज में जिंक और दूसरे मिनरल्स हैं। नैनो त्रिशूल एक बुला के रखना सुरक्षित, ये नैनो त्रिशूल फंगीसाइड है और वही जो है आपका करंज का तेल, लौंग का तेल है ना, इन्हीं तेलों से, यूकेलिप्टिस का तेल से बना है। लौंग का तेल बहुत ज्यादा पित्त को बढ़ा देता है, जैसे मनुष्य सर्दी खांसी होती तो लौंग का तेल या लौंग का उपयोग करता है ना, लौंग खाता है, वैसे ये जो है नैनो त्रिशूल में लौंग का तेल है। ये सारे तेल है, इनको हाई जो है RPM में घुमा करके, और इसको तेल चूंकि क्या है घुलनशील नहीं होता, तो इनको घुलनशील बनाया गया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इसमें लगती है, इसलिए आप ये सोल से ही ले लेना ना, बहुत सस्ता है बाजार के फंगीसाइड की अपेक्षा। बाजार में जो जहरीले फंगीसाइड है उनसे बहुत सस्ता है और बहुत प्रभावी है, तो आप ये जो है बुला के रखिए, कभी मान लो इमरजेंसी पड़ी तो, नहीं तो अगले फसल में काम आएगा। और भी कुछ खरीद लेना बाजार से, नीम खली खरीद लेना 50-60 किलो, सरसों की खली खरीद लेना, चूना खरीद लेना 50-60 किलो, नमक खरीद लेना, इसकी तो इतनी जरूरत नहीं है, नमक तो बहुत ज्यादा लगेगा नहीं, फिर भी खरीद लेना 25-30 किलो तो खरीद ही लेना, ठीक है। ये अपन फसल घुट्टी बनाएंगे ना तो उसमें काम आएगा, फसल घुट्टी है ना, अपने जो है DAP का रोल अदा करता है भी फसल घुट्टी। तो ये सब जो है आप पूर्व तैयारी कर लीजिएगा। भूमि की तैयारी कैसे करेंगे आप? बढ़िया जुताई कर लो है ना, या CVR टेक्निक, पहले आच्छादन कर दो मिट्टी का, नाली बना के एक दो घंटा जो है JCB चलाओ, 5 फुट की जो भी नाली बनती सारी मिट्टी निकाल खेत में फैला दो, 2 बार अच्छे से जुताई करो। जुताई करने के बाद पहले सिंचाई, अगर आप जो है बारिश आप सिंचाई करते हैं बारिश के पहले लगाते, तो सिंचाई में ही 1000 लीटर जो है ऊर्जा जल चला देना,
1000 लीटर ऊर्जा जल यानी 250-300 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 250-300 ग्राम फिटकरी या 500 ग्राम फिटकरी, 500 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, दो जो है 1000 लीटर पानी में डुबा के रखो, और या 200 लीटर में कर लेना 100-100 ग्राम फिटकरी, 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म। और इसको क्या करिए कि इस ड्रम को सिंचाई के वेंचुरी लगा करके सिंचाई के साथ पूरे खेत में दे दो, इससे मिट्टी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बंधुओं? पॉजिटिव हो जाएगी आपकी मिट्टी। अभी मिट्टी निगेटिव है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये टीसीबीटी की जान है, यानी अधिकतम फसल उत्पादन की आधारभूत है ये, है ना। ऊर्जा जल हर समस्याओं का हल, ऐसा इसलिए मैं कहता हूं, ठीक है। तो ये जरूर ऊर्जा जल डाल देना, फिर 7 दिन छोड़ देना, छोड़ने के बाद थोड़ा घास निकलेगा तो हल्का रोटावेटर चला देना उस पर, फिर उसके बाद जो है पाटा मिला करके फिर बोनी करना, क्योंकि घास भी एक बड़ी समस्या है। वैसे आप गोवर्धन खनिज खाद जो मैंने बताया था, ये गोवर्धन खनिज खाद ये जो है हमने फर्टिलाइजर अणु और जीवाणुओं की पूर्ति के लिए बनाया था, और ये भारत के सभी प्रमुख गौशालाओं में बना रहे हैं, किसानों को ये सब सिखा भी रहा हूं मैं, जिनके पास जो है 150-200 गाय है वो ये खाद बनाए और अपने आसपास के किसानों को दे। जो 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 देसी गोवंश वाली गौशालाएं, जो असहाय है, उनके यहाँ ये सब खाद मैं बनवा रहा हूँ। गजब के इसके रिजल्ट है। हमने इसको फर्टिलाइजर के तौर पर बनाया था, मात्र 25 किलो लगता है 1 एकड़ में, पर इससे खरपतवार घट रहे हैं। ये पिछले जो है 1.5-2 साल की कहानी है, खरपतवार नहीं उग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट इससे मिला। खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या जैविक खेती में, है ना, जो है 4-6 हजार रुपए तो लेबर ही लग जाते हैं, मतलब निंदाई करने में, और मूंगफली में तो बहुत ज्यादा निंदाई करनी पड़ती है। उसके बाद है बीज की तैयारी, ठीक है। बीज की तैयारी में क्या करना, आप जहां से भी बीज लो या अपने घर का भी बीज है, बीज पंच महाभूत युक्त लेना, ठीक है। पंच महाभूत युक्त बीज लेना, उसमें भूमि तत्व, गगन तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, नीर तत्व, पंच महाभूत। भूमि तत्व यानी कंप्लीट न्यूट्रिशन, गगन तत्व यानी ये माता तत्व है, पिता तत्व है गगन, वायु तत्व प्राण तत्व है, अग्नि तत्व स्फूर्ति है, तेजी से उगना बढ़ना चलना, और नीर तत्व कंप्लीट जीवन पूर्ण करता है, ठीक है। पिता तत्व फूल फल के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये पंच महाभूत युक्त होना चाहिए, नया कंसेप्ट है। इसलिए टीसीबीटी के विशेषज्ञ जो बीज बोले, मतलब अपने घर का बीज है उनको भेजो, अगर 2-2-3-3 तत्वों की कमी है वो बीज मत लगाना, और ठीक है। तो पंच महाभूत युक्त बीज होना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे उसकी प्रक्रिया है, है ना। कम से कम जो है अभी रासायनिक खेती में भूमि और अग्नि तत्व तो घटा ही रहता है हर जगह, नहीं मिलेगा तो आप बोएंगे तो थोड़ा प्रक्रिया है, सूर्य दर्शन, धूप दिखाना बढ़िया, शाम को 3-4 बजे धूप में रखना और रात्रि तक उसको धूप में पड़े रहने देना, चंद्र दर्शन भी कराना। सूर्य जो है अणु देता है, ठीक है, और चंद्रमा जीवाणु उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा वनस्पतियों का देवता है, ये जीवाणु उत्पन्न करता है या अणु देता है। फिर प्रार्थना करना, प्रार्थना जो है सबसे पहले चंद्रदेव से करना, हे चंद्रदेव मैं इन बीजों को अपने फला खेत में बोने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। बीजों से भी प्रार्थना करना, और प्रार्थना जमीन, माथा जमीन से टिका के करना, ठीक है। या नहीं टिका रहे हैं तो आप बीजों को यहाँ रखना माथा में, या बीजों के ऊपर माथा रखना, फिर बीजों से बोलना, हे बीज, और जो बीज के नाम है तो मूंगफली, हे मूंगफली के बीज मैं आपको मेरे फला फला खेत, खेत का नाम लेना, मैं बोने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। तो ऐसा आप प्रार्थना करना बीजों से भी, चंद्रदेव से भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस पर जो है ऊर्जा जल का स्प्रे करना, और स्प्रे ऐसे करना कि बहुत ज्यादा पानी ना लगे, पानी लग जाएगा बीज की छिलका निकल जाएगी, वो बीज खराब हो जाएगा, इसलिए हल्का एक बार फुहार देना, और फुहार देने के बाद उसमें उसके ऊपर फफूंद भक्षक और कीट भक्षक एम प्लस का भी दोबारा जो है फुहार देना, या ऊर्जा जल में मिला करके इसको दे सकते हो, एक फुहार दे देना, और उसके बाद इसमें इसके ऊपर मही राजा सोल से बुलवा लेना, मही राजा और सोरपाल,
ये सूरपाल बना बुनाए खाना है, ये लगभग 2 ग्राम महिराजा और लगभग 5 ग्राम सूरपाल, ये उस पर भुरकाव कर देना, ये चिपक जाएगा, बोने के लिए अच्छा होगा। बस ध्यान रखना इसके ऊपर बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो, लेट तुरंत बोनी ना करना हो तो जब बोनी करना उसी समय ये करना, ठीक है। तो इस तरह से जो है बोनी करिएगा, बोनी करने के बाद जो है आपको क्या करना है, बोनी करने, जब बोनी शुरू करेंगे तो धरती माता से प्रार्थना करना, क्या करना, हे धरती माता मैं इन बीजों को बोने जा रहा हूं, है ना, ये बीज और इससे निकला हुआ अन्न मेरे परिवार देश और समाज के पोषण के लिए, कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें, माथा जमीन से टिका के प्रार्थना करना, ठीक है। निश्चित नक्षत्र में बोना, नक्षत्र हमारे कैलेंडर में, हर साल हम कैलेंडर जारी करते हैं तो कैलेंडर में नक्षत्र रहता है, देख लेना। फिर अब है बुआई, देखिए बुआई पूरे भारत में अलग अलग होती है, कहीं 35 से 40 किलो बोते हैं और कहीं 60 से 65 किलो और कहीं तो और ज्यादा, प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं मैं, एक एकड़ में कहीं और ज्यादा भी बोते हैं, क्योंकि दो तरह के बीज आती है, एक जो है जो बेल में चलती है और एक जो है वो जो छोटी बेल में नहीं रहती वहीं उगती और वहीं कुछ गुच्छे में फल आती छोटे दाने वाली। तो बुआई अपने विवेक से करना, बीज भी अपने, बीज दर भी अपने विवेक से लेना, इस साल अगले साल जरूर घटा देना, ठीक है। बीज ज्यादा गहराई मत लगाना, 3 से 4 इंच बस रहना चाहिए। और काली मिट्टी में अगर बोनी कर रहे हो किसी कारण से तो पहले बुआई जो है, पहले बुआई करना फिर सिंचाई करना, है ना, जैसे बाकी मिट्टी में तो पहले सिंचाई करना फिर बुआई होती है, काली मिट्टी में तो पहले जो है बुआई करना उसके बाद सिंचाई करना, ठीक है, ये आप करिएगा। अब आगे हम चलते हैं सिंचाई, जिस मिट्टी में जो है जहां पर हम बुआई, पहले हम 6-7 दिन पहले सिंचाई किए हैं, फिर हमने जो है रोटावेटर का खरपतवार होगा रोटावेटर से उसको दबाया, बुआई किए, उसके तीसरे दिन सिंचाई कर देना, पहली सिंचाई, ठीक है, ये पहली सिंचाई ये है, दूसरी सिंचाई 20वें दिन पे, तीसरी सिंचाई 35वें दिन पे करना, चौथी सिंचाई 45वें से और 50वें दिन करना, फिर पांचवी सिंचाई 55वें दिन, फिर छठी सिंचाई जो है और 70वें दिन पर करना, कहीं 5 ही सिंचाई होती अपने हिसाब से करना। जब भी सिंचाई करें आपको सिंचाई के साथ क्या क्या मिलाना है ध्यान मैं बताता हूं, कि सिंचाई के साथ जब भी सिंचाई करते हैं, सिंचाई में सिंचाई जो है दो समय पे, एक तो अगर अमावस्या के आसपास सिंचाई कर रहे हो और एक ध्यान रखना पूर्णिमा के आसपास, अमावस्या के आसपास आप सिंचाई करोगे तो ऊर्जा जल उसमें मिलाना और अणु जल, वही जो भस्म रसायन, जैव रसायन और सडरस, एक और फार्मूला नहीं बता पाया मैं सडरस आपको, सडरस यानी छाछ और आंवले का घोल, 10 लीटर छाछ में जो है 40-50 ग्राम आंवला पाउडर मिला के रख दो, 5-6 घंटे में सडरस बन जाता है, सडरस बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये टेस्ट बढ़ाता है, तो सडरस भी लिख लेना, जो है उसकी व्यवस्था भी करनी है, पर वो तो तत्काल में ही, छाछ तो पहले से ले नहीं सकते। तो इसमें अणु जल में क्या क्या है, भस्म रसायन है, ठीक है, कितना परसेंट है भाई इसमें, तो परसेंट में नहीं कह सकते, पॉइंट जो है 0.5%, है ना, और भस्म रसायन है, जैव रसायन है, जैव रसायन इसमें थोड़ा ज्यादा डाल देना, है ना, लगभग 30 लीटर डाल देना क्योंकि जमीन पे देना है ना, और क्या है,
प्लस प्लस सडरस है, सडरस डाल देना इसमें लगभग 10 लीटर। ये सबको जो है मिला करके अणुजल होगा, सीधे सिंचाई के साथ वेंचुर से दे देना, जबरदस्त फसल बढ़ेगी एकदम जबरदस्त। तो एक ये हो गया, दूसरा आपका अणुजल, तीसरा जो है इसमें आप जाने दीजिए अन्न द्रव्य रसायन, और जब भी सिंचाई करते हैं या मिट्टी चढ़ाएंगे उसके पहले आपको क्या करना है, गोवर्धन खनिज खाद फेंक देना 25 किलो प्रति एकड़, इससे ज्यादा मत डालना बंधु, बहुत ज्यादा प्रभावी इससे ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल 25 केजी प्रति एकड़, ठीक है। और क्या क्या करिएगा, हमने और क्या क्या बनाया है भाई, अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन, बस हो गया इतना ही है। तो पहले स्प्रे पे जो है, जब भी ये हो आपका अमावस्या में, तब आपको जो है ये ऊर्जा जल और अणुजल अन्न द्रव्य रसायन, सॉरी अन्न द्रव्य रसायन इसमें से हटा दीजिए, अभी इसमें ऊर्जा जल है ना, जीवाणु वाली कोई चीज नहीं डालना, इतना ही करिए। ये दो चीजें ही आप जो है इसको डालना है। फिर इसके बाद जो है पूर्णिमा के समय में क्या क्या करेंगे, पूर्णिमा के समय में जीवाणु जल या सजीव जल या पंचगव्य है ना, कुछ भी आप जो बनाते हो 2% पंचगव्य, ये कर लीजिए 100% जीवाणु जल, 2% पंचगव्य का घोल। एक दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है आपको अन्न द्रव्य रसायन करिए, तीसरा जैव रसायन इसमें मिलाइए, जितना भी मिला सकते हो आप, 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर जो भी है, ये सिंचाई के साथ देना है आपको। और क्या कर सकते हैं, बस इतना तीन चीजें इसमें चलने दीजिए। और क्या कर सकते हैं, सिंचाई के पहले एक तो गोवर्धन खनिज खाद 25 किलो और उसी में मिक्स कर देना, आपको क्या मिक्स करना है, सुपर सॉइल और एक मूला बुला लेना सोल से, अच्छा रहेगा। अभी क्या है, जिंक मैंगनीज कॉपर की कमी है, सुपर सॉइल में सब है, सुपर सॉइल और 1 kg और गोवर्धन खनिज खाद 25 केजी दोनों मिला के भुरकाव करके फेंक देना। कब फेंकना है भाई, ये आपको फेंकना है तीसरे दिन के पहले, ठीक है। फिर ये ऑफ कर देना लगभग 35वें दिन पे, और ये कर दीजिएगा 55वें दिन पे, तीन बार तो जरूर कर दे, ये जो जितना डोज मैंने बोला है इतना, ये ठीक। अब जो है मिट्टी चढ़ाने का काम, मिट्टी चढ़ाने के पहले, मिट्टी चढ़ाने का काम आप करिएगा 20 दिन से 35वें दिन के बीच में कभी भी, एक, और दूसरा जो है 35वें से 45वें दिन के बीच में, जब मतलब जो है एक पौधा पौधा जब पत्तियां छूने लग जाए थोड़ा ऐसा दूर दूर हो, तब जो है मिट्टी चढ़ाने का काम करना चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने के पहले निंदाई करें, ताकि उससे जो मिट्टी निकले तो मिट्टी चढ़ाएं, तो निंदाई करें, निंदाई एक या दो कर सकते, एक कर सकते, दो तीन करना पड़ेगा। फिर अगले साल से तो खैर इसी साल गोवर्धन खनिज खाद डालेंगे तो 40-50% खरपतवार तो घट ही जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है तीन के जगह दो निंदाई करना पड़े, और निंदाई के बाद मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। तो सिंचाई के साथ क्या क्या डालना बता दिया, निंदाई बता दिया, अब मिट्टी चढ़ाने का भी क्रम मैंने बता दिया। अब आपको करना है एक और काम, वो है सिंचाई का, सिंचाई करता हूं स्प्रे का, फसलों में स्प्रे करना है।
क्या क्या स्प्रे करेंगे? दो तरह के स्प्रे बनेंगे। पहले तो अमावस्या के आसपास जो स्प्रे करोगे वो स्प्रे क्या क्या रहेगा? ऊर्जा जल, अग्निहोत्र भस्म और पिटकरी का पानी, ये ले लेना लगभग 100 लीटर, ठीक है। फिर एक दूसरा अणु जल, ये ले लेना लगभग 100 लीटर, ठीक है। तीसरा छाछ द्रव्य रसायन, ये ले लीजिए लगभग 6 लीटर। ये अमावस्या के आसपास जो है आप इनका स्प्रे करिए। इसमें जो है अगर अणुजल आप नहीं तैयार कर सकते तो सोल का नैनो खनिज ले लेना आधा लीटर, ठीक है। मान लो ये नहीं तैयार कर पाए हो तो, पर जैव रसायन तो फिर भी उसमें मिलाना। इतनी जो है चीजें आप जो है स्प्रे करिए। और फिर पूर्णिमा के आसपास क्या क्या स्प्रे करेंगे? दूसरा स्प्रे पूर्णिमा के आसपास करेंगे। पूर्णिमा में क्या क्या करेंगे? जीवाणु जल ले लीजिएगा 50 लीटर, ठीक है। जैव रसायन ले लीजिएगा। जैव रसायन में गणित है, आप अगर जो है फूल के समय 55वें दिन में आप स्प्रे करोगे तो आपको खट्टा जैव रसायन डालना है, ठीक है। ग्रोथ के समय में मीठा और कड़वा, क्योंकि उस समय हो सकता है इल्ली वगैरह है तो कड़वा मिला लेना आधा आधा। एक लीटर जो है, जैसे खट्टा जैव रसायन डालोगे फूल के समय में, लिख देता हूं मैं, फूल के समय में खट्टा कितना डालेंगे? 2 लीटर। और कड़वा भी मिला सकते हो उसमें 500 ml, नहीं फूल के समय में कड़वा नहीं, ये केवल एक ही रहेगा। फूल के समय केवल खट्टा डालना, कड़वा डालना 500 ml प्लस मीठा आप मिला सकते हो इसको जो है ये 1.5 लीटर। ये ग्रोथ के समय में करना या फल बनते समय। तो जीवाणु जल, जैव रसायन, ठीक है, अणु जल भी मिला सकते हो, और पूर्णिमा के समय में आप OKP ग्रोथ के लिए फास्फोरस पोटास प्लस नैनो नत्रजन भी मिला सकते हो, नैनो नत्रजन, ठीक है। अभी सेल सोल में जो नैनो नत्रजन आ रहा है वो तो 20-22% का है, 4x, अभी तक तो 7-8% 10% तक का आ रहा था, 7.8% लैब रिपोर्ट है सोल के नैनो नत्रजन को, भी ऑर्गेनिक का 7.8% बहुत होता है, अब तो 22% का आने वाला है, तो 250 ml लगेगा, फसल एकदम हरी कच्च हो जाएगी। तो अभी ये जो है ये सब चीजें आप इसमें मिला लेना, OKP, नैनो नत्रजन, है ना, जैव रसायन, जीवाणु जल, इतना मिला करके और पूर्णिमा के आसपास स्प्रे करिए। तो ये स्प्रे आपका इतना कर लिए, अब क्या करेंगे अगला काम? अगला तो जो है कोई चीज नहीं, ऐसी केवल कुछ समस्या आई, फंगीसाइड वाइट ग्रब आया, तो वाइट ग्रब के लिए हमको क्या है, सिंचाई जल के साथ एम प्लस का भक्षक एम प्लस सोल से आप बुला लीजिएगा। इसको क्या करना, 200 लीटर के ड्रम में डालना, 2 किलो गुड़ डालना, और जो है 200 लीटर पानी डाल के फर्मेंट होने देना, बढ़िया। 6-7 दिन बाद इसको सिंचाई जल के साथ दोगे तो वाइट ग्रब की जो समस्या वो हट जाएगी, है ना। चाहो तो सिंचाई के पानी में कुछ जो है ये कर सकते। एक और चीज जो है मेरा रह गया, और वो है महत्वपूर्ण चीज रह गया, फसल घुट्टी का, सिंचाई जल में फसल घुट्टी भी देना है, ठीक है। फसल घुट्टी कैसे देंगे,
मैंने बताया 200 लीटर पानी है, इसमें लगभग 10 किलो जो है आपका, 10 किलो रहेगा आपका नीम की खली, 10 किलो रहेगा सरसों की खली, और जो है 2 केजी चूना रहेगा प्लस, और 5 केजी उसमें नमक रहेगा। इतनी सब चीजों को मिला लेना और मिला करके और 1-2 दिन रखना, और उसके बाद फसल गुट्टी सिंचाई जल के साथ जरूर मिलाना, ठीक है। ये रह गया था बताना, वही मैं जब इसे ध्यान कर रहा था। तो फसल गुट्टी ये जो है हर सिंचाई जल में मिला सकते हो। फसल गुट्टी, और फसल गुट्टी को ऊर्जा जल के साथ भी मिला सकते हो, यहां भी मिला सकते हो फसल गुट्टी को आप, और इधर भी मिला सकते हो फसल गुट्टी को। ठीक, अब क्या हो गया, अभी केमिकल खेती वाले खूब पोरेट डालते दीमक के लिए, आप तो भक्षक एम प्लस डालना, टिक्का रोग खत्म हो जाएगा। पहले ही मैंने बताया कि क्या क्या करेंगे उसमें, ऊर्जा जल 100 लीटर, 10 लीटर जो है छाछ द्रव्य रसायन, और 500 ml नैनो खनिज, 100 ml नैनो त्रिशूल, 4 चीजों का स्प्रे कर रहे हैं, वो भी खत्म, जड़ गलन भी नहीं आएगा, है ना। तो अभी क्या है, खरपतवार भी खूब नाशक यूज करते हैं किसान, कोई जरूरत नहीं है TCBT में। पहले साल जो है 30-40%, अगले साल जो है और टोटल खत्म, उगना ही नहीं है। हमारे कई किसान है जिनके उग ही नहीं खरपतवार। तो अब आपकी जो मूंगफली आएगी वो पंच तत्व युक्त आएगी, जो भी मूंगफली का उत्पादन होगा उसमें पंच तत्व युक्त होगा, ठीक है। कैसे पंच तत्व युक्त होगा, बढ़िया, इसमें भूमि वायु अग्नि नीर सब तत्व रहेंगे। भूमि तत्व रहेगा मतलब सारे माइक्रोन्यूट्रेंट रहेगा। अभी सूक्ष्म तत्वों की कमी से हिडन हंगर सबसे बड़ी मानव स्वास्थ्य की समस्या आ रही है अभी दुनिया में, वो दूर होगी। गगन तत्व रहेगा मूंगफली में, तो अभी क्या है, मानव स्वास्थ्य के साथ साथ अंडाणु और शुक्राणु ये बन नहीं रहे हैं, महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में शुक्राणु नहीं बन रहा है, नियमित अंडाणु नहीं बनता और पुरुषों में पर्याप्त तो शुक्राणु नहीं बनता, तो ये गगन तत्व की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। और महिलाओं में जो बहुत ज्यादा मिसकैरेज हो रहे हैं, गर्भपात हो रहा है, वो गगन तत्व की कमी के कारण है। हमारे फूड में गगन तत्व रहेगा, ठीक है। फिर वायु तत्व प्राण है, वायु तत्व होगा तो हमारे शरीर में क्या है कि स्फूर्त जो है प्राण तत्व, हर टिश्यूस में जीवन रहेगा, एक पूर्ण रहेगा, हर टिश्यूस को ऑक्सीजन मिलेगा, वो पूर्ण रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा जल में हम जब स्प्रे करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 52% है। फिर अग्नि तत्व भी है, अग्नि तत्व स्फूर्ति देता है, हमारे शरीर में अग्नि तत्व सम रहेगा तो समय से हम उठेंगे, सूर्योदय के पहले उठेंगे, आलसी नहीं रहेगा, हर काम करेंगे, कफज नहीं रहेगा, शुगर की बीमारी नहीं होती अग्नि तत्व रहेगी तो। क्योंकि अग्नि तत्व नहीं है तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, शुगर की आती है, जब हर चीज पचेगा तो अग्नि तत्व रहेगा तो ये बीमारियां रहेगी नहीं। और फिर नीर तत्व होने से स्किन में चमक रहेगी, ठीक है, हमारी चेतना जागृत रहेगी, 70% होता है ना हमारे शरीर में जल तत्व। तो ये पंच महाभूत युक्त जो है आपको फूड खाने को मिलेगा, पंच महाभूत युक्त। और कैसे कैसे मिलेगा पंच महाभूत युक्त, जैसे ही कोई किसान ये सारा प्रैक्टिस करता है, किसान सोल दुकान, ठीक है, नहीं सोल जो है सोल किसान ऐप में जाए, ये सोल किसान फार्मर ऐप है, ठीक है, इस पर जाए और जो जो काम करता है इस पे बताए कि मैं पंच महाभूत युक्त बीज बो रहा हूं, मैं अग्निहोत्र कर रहा हूं, मैं ऊर्जा जल अणु जल जीवाणु, तो उनके बायर पहले से ही जो है सोल दुकान में जाके बुक करेंगे,
पहले से पूरे देश भर में कोई भी बायर कहेगा भाई हमें इस किसान का मटेरियल चाहिए, तो आपका मूंगफली आने के पहले ही बुकिंग शुरू हो जाएगी। और मूंगफली आ जाए तो बढ़िया, आप जो है 35 किलो 40 किलो जो भी सोल जो है ये बोरी तैयार रखना, ये बोरी तहसील केंद्र में है ना, तहसील केंद्र जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन अभी संगठन खड़ा कर रहा है पूरे देश भर में, तहसील केंद्र में कहीं भी रखना। जिसने भी जो भी ऑर्डर करना है सोल दुकान पे जाएंगे, सोल दुकान ऐप है, इस पे जो भी ऑर्डर आएगा कि भी पंचतत्व फूड जो है, तो आपका जो है यहां से इंफॉर्मेशन उठा के आपके जो है बोरी के चित्र ये सोल दुकान में आ जाएगा। यहां से जो भी खरीदेगा आपके जो है तहसील केंद्र से कोरियर एजेंसी उठाएगी और सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा देगी। उत्पादक हमारा उत्पादक किसान और उपभोक्ता एक ही मंच पर आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी हमारी, क्योंकि उगा तो लेते हैं, बेचने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो 35-35 किलो की बोरी पूरे देश भर में पहुंच जाएगी। अभी सोल दुकान से हमने आम का जो है सामान्य बक्से में हमारे जो है मुंबई के पास के जो है किसान है, यहाँ किसान का नाम नंबर होगा सब होगा, ठीक है, ये डिलीवरी है, उन्होंने ये आम हमको बढ़िया, देखिए ये सुंदर सा आम हमको उन्होंने भिजवाया। तो ये आप सोल दुकान पे जाके ऑर्डर करेंगे, किसान के यहाँ से सीधे उपभोक्ता के पास आ जाएगा, कितना सरल हो गया। तो जैसे जैसे इसमें किसान, चूंकि किसान ही उत्पादक भी है, किसान तो उत्पादक भी उपभोक्ता भी है भाई, जो है जम्मू कश्मीर का या शिमला का किसान सेब उगा रहा है पर वो चावल नहीं उगाता, मूंगफली नहीं उगाता, तो आप वो आपसे मूंगफली खरीदेगा और जो है आप उनसे सेब खरीदिए, तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों एक ही जो है प्लेटफॉर्म पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। पंच महाभूत युक्त भोजन करके, और हमारी जो सीमा जी हैं, सीमा वरकड़े जी, ये जो है जबलपुर की जो है किसान है, और ये पहले नर्स थी पर इनकी रीढ़ की हड्डियां जुड़ गई थी और ये जो है बहुत परेशान थी, बेड रेस्ट थी, 2.5-3 साल बेड रेस्ट रही है, फिर उसी में उन्होंने TCBT का ये सब फार्मूला देखी, छत पे खेती की, अपने छत पे इतनी सब्जी उगाई कि फेमस हो गया उनका घर जो है ना, वो ग्रीन हाउस कहलाता है। तो सब्जी उगाई, अग्निहोत्र की, ऊर्जा जल पी और जो है ये सब पंच महाभूत युक्त फूड लिए, अब वो चलने लगी, दौड़ने लगी, नर्स के जॉब से रिजाइन करके किसान बन गई और अब खेती कर रही बड़े लेवल पर, पपीता की खेती, और मतलब छत पे खेती करके शुरुआत की और अभी पपीता की खेती और कई तरह के औषधि मसालों की खेती, फलों की खेती शुरू कर दी, 56 भोग वाटिका लगाई उन्होंने। तो ये होता है जब जबरदस्त, उनके एक जो है मिर्च के एक पौधे में 3.5 किलो मिर्च तोड़ी है, एक एक जो है गिलकी एक एक जगह से 9-10 गुच्छे में गिलकी तोड़ी है, तो सभी तरह के छत पे वो जो है सभी तरह की सब्जी लगाई, अब जमीन में 56 भोग वाटिका लगा चुकी है पिछले साल और अभी बड़े लेवल पे खेती कर रही है। तो ये होता है परिवर्तन जब आता है ना तो ऐसे होता है, परिणाम आता है तो हर व्यक्ति जो है कि चेतना जागृत, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, कहा ना भगवान गौतम बुद्ध ने कहा ना, तो अप दीपो भव, आपकी खुद की चेतना जो है जग जाएगी। अभी हमारे घर में जो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, हम खराब अन्न खा रहे हैं, बीमार अन्न खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं, अच्छा स्वस्थ अन्न खाएंगे तो स्वस्थ होंगे। तो आप बढ़िया मूंगफली का उत्पादन करें और हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।